हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास टेंथ का जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल वाला, उसमें जो टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये जो है इंट्रोडक्शन है किसका, एक्सरसाइज 6.2 का जो इंट्रोडक्शन है उससे पहले जो हमारे पास टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो त्रिभुज जो सिमिलर है, जो ट्रायंगल सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी है उस ट्रायंगल की, क्या उनकी जो है डेफिनेशन है, किनको हम बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमने बात करी थी, अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी टू ट्रायंगल आर सिमिलर, उसमें जो हमने बात करी थी फिगर की बात करी थी, जो फिगर सिमिलर होंगे। अब जो स्टार्ट हुआ है हमारा चैप्टर ट्रायंगल का, अब स्टार्ट हुआ है जो मेन जो स्टार्ट हुआ है। टू ट्रायंगल आर सिमिलर, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। बहुत बार बात हो गई हमारी करस्पॉन्डिंग एंगल की। ठीक है, दो फिगर है हमारे पास, जैसे ये फिगर है, एक ये फिगर है, इसका ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ये कहलाते हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, उनका जो रेशो है, उनका प्रोपोर्शन जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी में अभी ये दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में हो। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और जो मोस्टली जो है पूछी जाती है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। तो पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, उसके बाद हिंदी में भी हम देख लेंगे। इसका स्टेटमेंट जो है, जो बुक में दे रखी है 6.1 पर यह थ्योरम दे रखी है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये थ्योरम जो है कहती है किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी साइड हम ड्रॉ करते हैं, जो साइड हम ड्रॉ कर दें जिसके पैरेलल, उससे अदर देन दो टू साइड हैं ये वाली साइड, ये इनको इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट डी पर और ई पर, ये हमने लिया है। और हमें प्रूफ करना है इनका जो ये डिवाइड कर रही है, जो साइड को जो डिवाइड कर रही है, इनका जो रेशो है वो क्या है, सेम रेशो है क्या। ए डी इसका रेशो अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, इसका रेशो जो है ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक त्रिभुज लिया, इन गिविन त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, जिसमें बी सी के पैरेलल एक लाइन है हमारे पास डी ई, ठीक है, डी ई इंटरसेक्ट कर रही है त्रिभुज के दूसरी दोनों साइड, जो अलग दो साइड हैं, ठीक है, एट पॉइंट डी पर, ठीक है, ए बी पर इंटरसेक्ट कर रही है डी पर और ए सी लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर। यह आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना था थोड़ा, ये बस लिखना जो कर रहे हो वो लिखना, ज़्यादा कुछ लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और समझ के करना इसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। देखिए करना क्या होगा इसमें, हम जो है इसमें किसका एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। पहले क्या करेंगे, ये जो ए डी ई ये वाला जो ट्रायंगल है जो मैं बता रहा हूँ, इस ट्रायंगल को जो है इसका एरिया हम निकालेंगे। मैंने क्या करा, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये डी एम और एन ई ज्वाइन बी ई डी सी को, इसको हमने ज्वाइन कर दिया और ड्रॉ करा डी एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पर, ठीक है, ए लिखो ए सी लिखो एक ही लाइन हो, और ई एन जो है हमें ड्रॉ करना है किस पे, ए बी पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या हाइट होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो हमारे पास होता है त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो बेस इसका नहीं हो जाएगा हाइट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो एरिया निकालेंगे हम ए डी ई का। एरिया हम ए डी का दो तरह से निकाल सकते हैं, कैसे, एक हम इसको बेस मानकर और इसको हाइट मानकर, या फिर इसको बेस मानकर इसको हाइट मानकर, दोनों जो है हमारे पास यूज़ होगा एरिया, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है इन दोनों में, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 ए डी बेस, ये क्या हाइट, ई एन या एन ई, बात एक ही है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। फिर दोबारा से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई, अब इधर से लेंगे जो हमारा बेस होगा क्या है, ए ई बेस है और डी एम क्या है हाइट हो गई, ये सेकंड स्टेप हो गई। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये वाले त्रिभुज का एरिया, ये जो त्रिभुज है हमारे पास
इसका हम एरिया लेंगे, इसके एरिया में हमें हाइट चाहिए। हाइट क्या है, अगर ये लाइन हम इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, ये हाइट हमारे पास मिल जाएगी। तो इसका एरिया निकालूंगा मैं, एरिया बी डी ई, एरिया बी डी ई जो बेस है क्या है बी डी है, हाइट क्या है एन ई ई एन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, इस त्रिभुज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ई एन, तो इसकी जो क्या होगी हाइट ई एन, ये हो गया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये वाला त्रिभुज है डी ई सी, त्रिभुज जो सी ई डी ले लो या डी ई सी, त्रिभुज सी ई डी, इसमें जो इसमें हमारे पास जो बेस है ई सी है और हाइट क्या होगी, इस त्रिभुज की जो हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये जो होगी हमारा डी एम क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एच हो जाएगी ये बेस हो जाएगा। तो हमारे पास चारों स्टेप आ गई। अब मैं क्या करूँगा, एक बार इसका रेशो ले लूँगा, एक बार इसका रेशो ले लूँगा, ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे जो है जो प्रूफ करना था ये मिल जाएगा। देखिए तो मैंने क्या करा, इसका रेशो लिया किसका, त्रिभुज ए डी ई का अपॉन में बी डी ई का, दोनों की वैल्यू रख दी, ए डी ई ई एन, बी डी ई ई एन, ई एन से ई एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए डी अपॉन में बी डी बच गया इक्वेशन 5। सेकंड में क्या करा, एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ सी ई डी या ई सी डी, सी ई डी एक ही बात है, 1/2 ए ई डी एम और ई सी डी एम, डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए ई अपॉन में ई सी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बट एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ सी ई सी डी या सी ई डी, ठीक है, यहाँ देखिए एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ई सी डी, दोनों क्या है इक्वल एरिया है, दोनों के क्या इक्वल है, तो एक को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो गया, 1 बराबर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इक्वेशन 5, 6, 7 से क्या होगा, ए डी अपॉन में बी डी, ए ई अपॉन में ई सी। तो ये थी हमारे पास थ्योरम जो थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए हिंदी में भी देख लिए, हिंदी में आधारभूत समानुपाती प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इनका जो अनुपात होगा ए डी अपॉन में डी एम, ए ई अपॉन में ए ई अपॉन इजिकल ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है, जो हमने बात करी थी। तो इसमें हमने उसी तरह से करा, त्रिभुज ए बी सी में बी सी के पैरेलल एक डी ई लाइन खींची, ई एन, ई एन जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, डी एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पर, बी ई और सी डी को हमने मिला दिया, तो सिद्ध करना है हमें ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। उसी तरह से एरिया निकालना हमने ए डी ई का, ए डी ई का दो तरह से एरिया निकाला था, इसको हमने बेस मान लिया एक बार, ए डी को बेस माना और ई एन को हाइट मान लिया, दूसरी बार में ए ई को बेस माना, डी एम को हाइट मान लिया, तो एरिया हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया, दोनों एरिया बराबर होंगे। एरिया ऑफ बी डी का निकालेंगे हम लोग, बी डी का निकाला, जो त्रिभुज हमारे पास बी डी, इसकी हाइट ई एन है, बेस क्या है डी एम, हाइट जो होगी ई एन है, बेस बी डी, इसका बेस हो गया, इसका बेस ये वाले त्रिभुज का जो बेस होगा, ये वाले त्रिभुज का बेस ई सी, हाइट क्या है ई एन, हाइट है ई सी, सॉरी हाइट क्या है इसकी डी एम, सॉरी हाइट जो होगी वाले त्रिभुज की, ये वाले त्रिभुज की हाइट डी एम होगी, इसकी हाइट क्या है डी एम। उसके बाद क्या करा, तो हमने एक बार इसको ले लिया इसके साथ, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई बी डी ई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एन 1/2 ए डी, 1/2 से कैंसिल, ए डी अपॉन में बी डी, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद ये वाली हम लेंगे इक्वेशन किसके साथ, इसके रेशो के साथ, ठीक है, तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ई सी डी, तो इसका होगा 1/2 ए ई अपॉन में ए इंटू डी एम, 1/2 ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए ई अपॉन में ई सी आ गया, इक्वेशन हमने 2 मान ली इसको। तो बट एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ ई सी डी क्या है, बराबर हैं, जब ये बराबर होंगे तो इनका हम यूज़ करने के बाद 1 का इसका यूज़ करेंगे हम लोग, जो इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे, इक्वेशन 3 का यूज़ करेंगे, तो क्या देंगे ए डी अपॉन में बी डी, ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। तो ये थ्योरम थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, बता देता हूँ मैं भी, आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, जो थ्योरम है इसके बाद जो थ्योरम है वो थ्योरम बता देता हूँ, वो क्या कहती है, उसका क्वेश्चन में यूज है। अगर हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी,
अगर BC के पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रॉ करी, कौन सी? DE, ठीक है, BC के पैरेलल एक और लाइन DE करी, तो थ्योरम ये कहती है इनका जो रेशो होगा AD अपॉन में AB, पहले हम अभी जो हमने बात करी है AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC, तो नेक्स्ट वाली जो थ्योरम क्या है, AD अपॉन में AB का जो रेशो बराबर होगा AE अपॉन में AC का बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, तो ये जो स्टेटमेंट, ये वाला जो रिजल्ट है ये भी यूज होता है। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।